देखिए सर, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हम सीख रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ई की पावर ए एक्स के लिए एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स के लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था। पर्टिकुलर इंटीग्रल कब? जब एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो और क्यू बराबर हमारे पास ई की पावर ए एक्स टाइप का हो, ठीक है, और कंडीशन में एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आगे उन्हीं को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उनको हम सॉल्व करेंगे ई की पावर ए एक्स के लिए ही। डी क्वेश्चन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट का है, तो इसका मुझे क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो है इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स टाइप का है। अब फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है सर? एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें श्रीधराचार्य लगाइए आप, तो आप क्या पाएंगे? एम की वैल्यू, मैं एम की वैल्यू निकालना आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीज़ें बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। आई रूट थ्री बाई टू, अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो कितना हो जाएगा सर इसका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर ई रेज टू दी पावर माइनस वन बाई टू एक्स ब्रैकेट में सी वन कॉस। क्या क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो सब हम पढ़ चुके हैं। थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू साइन, आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए तब इनको थ्री बाई टू एक्स, ठीक है सर। तो ये हमारे पास क्या आ गया सर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास मिल चुका है। ये क्या मिल चुका है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल बात करेंगे। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एफ डी ऑफ ई रेज टू दी पावर कितना है? एक्स है ना खाली, दैट इज वन अपॉन एफ डी मतलब वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स है, ये तो है। इम्प्लाइज बराबर वन अपॉन क्या रखते हैं? डी की जगह पे ई की पावर ए का ए एक्स का कोफिशिएंट, ये कितना है? वन है, और ई की पावर एक्स, तो बराबर कितना आ जाएगा? ई की पावर एक्स अपॉन थ्री। आया? तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन जो मिल जाएगा, अब सॉल्यूशन क्या आएगा? देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही तो होता है, ठीक है। सो y बराबर कितना आ जाएगा फिर? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले पार्ट को तो लिखोगे आप यहाँ पे जो ऊपर दिखा है, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है? e पावर x अपॉन थ्री। ये सी एफ की जगह पे क्या रखूँगा मैं? ऊपर जो वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, ये सी एफ ये है, इस सी एफ को इस यहाँ पे रख दूँगा मैं। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन इसका ये हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है सर। अब ज़रा सा क्वेश्चन बदलता हूँ मैं, क्वेश्चन जब हमारे पास फॉर्मेट बदलते हैं, ज़रा ई की पावर एक्स में ही क्वेश्चन करेंगे,
लेकिन इसका क्वेश्चन का पैटर्न जरा सा हम चेंज करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं डी क्यू प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास हो गया ई टू दी पावर एक्स वाला, उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको क्योंकि इसके लिए तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं केवल e की पावर ए एक्स के लिए। तो इस फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर मतलब e की पावर 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, 2ab, 2 e की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो अब ये जो 1 है e की पावर 0x इसको मैं लिख दूंगा। ठीक है सर, अब तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, तो अब हम आएंगे सर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए डायरेक्ट रखेंगे एम क्यू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ क्या देगा हमें ये एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें m की वैल्यू एक तो मिलेगी माइनस वन, दूसरा क्या मिलेगी, अब ये कैसे आती है श्रीधराचार्य लगाइए आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें आपको करा चुका हूँ, वही बार बार रिपीट हो रही है तो दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। देयरफोर मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा सर, वो क्या आ जाएगा सी वन ई रेज टू दी पावर माइनस का x आएगा प्लस प्लस ई रेज टू दी पावर, दो दूसरे तो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्या करते थे हम, वही मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स रूट ई रेज टू दी पावर अल्फा एक्स मतलब वन बाई टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा सी टू कॉस ऑफ सी वन तो यूज हो चुका है ना, कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स रूट थ्री बाई टू एक्स। ठीक है सर, बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आ गया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये तीन फॉर्मेट में लिखूँगा मैं इसको, डी प्लस वन का होल क्यूब ई रेज टू दी पावर 2x होगा प्लस 2 तो कांस्टेंट है 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 इंटू यहाँ से e टू दी पावर x होगा प्लस 1 अपॉन डी क्यू इंटू ई टू डी क्यू प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर 0x होगा। एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन गए, तो सर पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर कितना आ जाएगा फिर 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 प्लस 1 ई रेज टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 ई टू दी पावर 0x को वही रहने दो। तो सर ये सॉल्व करके कितना आया, ये आया हमारे पास ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 प्लस 2 ई टू दी पावर x अपॉन 2 और अगला कितना आएगा प्लस 1। ठीक है सर, प्लस वन, क्योंकि हमारे पास वो जो पार्ट था ना उसको हमने क्या कर दिया दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके सॉल्व कर दिया। आप देखिए तो ये आएगा आपका, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ये टू का क्यूब आएगा ना सर, यहाँ पे टू का क्यूब होगा, यहाँ पे टू का क्यूब 8, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, बाकी तो सही है, पहले वाले में आपका गलत हो गया था वो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हुआ, दिस इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर ई टू दी पावर 2x अपॉन 9 प्लस ई टू दी पावर x प्लस 1। देयरफोर जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है सर, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप इसको पूरा रखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे सर। यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और तो सॉल्यूशन तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ही होता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे करना है, ऐसे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जी क्वेश्चन लेते हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू के डी वाई बाई डी एक्स, टू के डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ये ले लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स ही ले लेते हैं, के स्क्वायर ऑफ वाई ई टू दी पावर एक्स। अब देखिए सर, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एम स्क्वायर माइनस टू के एम प्लस के स्क्वायर, ठीक है सर, बराबर जीरो। दिस इम्प्लाइज ये फॉर्मूला बन रहा है ना, एम माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इम्प्लाइज यहाँ से एम का मान के कॉमा के दो बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सो माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू सी वन, क्या आएगा, सी वन प्लस एक्स सी टू ई रेज टू दी पावर कितना के एक्स, यही आएगा। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन, अब डायरेक्ट रखूँगा हमें डी स्क्वायर माइनस टू के डी प्लस के स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन, टू के डी की जगह पे वन रख रहा हूँ हाँ, प्लस के स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स। तो ये वन माइनस के का फॉर्मूला है शायद, वन अपॉन वन माइनस के का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, इंटू ई टू दी पावर एक्स। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पूरा लिखिए, y इज इक्वल टू सी वन प्लस एक्स सी टू ई टू दी पावर के एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस के का होल स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है सर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास ये थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये हो गया ना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। एक अब रिपीट जब रूट होते हैं तब कैसे लिखा जाता है, एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं हम, ठीक है। डी टू वाई क्वेश्चन लेता हूं मैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू टाइम ई टू दी पावर टू एक्स, ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्जिलरी इक्वेशन निकालूंगा मैं, पहले सॉल्यूशन बता रहा हूँ हाँ। ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या होगी सर, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज़ यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, एम प्लस वन का
होल स्क्वायर इज इक्व टू जीरो इम्प्लाइज एम बराबर माइनस वन कॉमा माइनस वन. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्व टू सी वन प्लस एक्स सी टू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स. इक्वेशन वन ले लेता हूँ उसको, ठीक है. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं फिर. वन अपॉन क्या आएगा, डी प्लस वन का होल स्क्वायर है शायद ये, डी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू टाइम ई रेज टू दी पावर टू एक्स. इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, बराबर वन अपॉन ये टू को बाहर ले लो, वन अपॉन डी की जगह पे क्या रख दो, टू रख दो, का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर टू एक्स. तो ये थ्री का होल स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो टू बाई नाइन ई टू दी पावर टू एक्स. टू बाई नाइन ही आएगा, टू बाई नाइन ई टू दी पावर टू एक्स मुझे मिल जाएगा मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है. तो जनरल सॉल्यूशन y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ये होता है जनरल सॉल्यूशन. सो y बराबर क्या आएगा फिर, c1 वन प्लस एक्स सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस टू बाई नाइन ई टू दी पावर टू एक्स. तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन ये मिल जाएगा. तो इस टाइप से हम करेंगे क्वेश्चंस को. पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये हो जाना है, ठीक है. जब हमने इसमें क्या पढ़ा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब हमारे पास केस क्या था सर, ई की पावर ए एक्स एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स टाइप का था. और उसमें भी कंडीशन क्या थी कि जब हम एफ ए रख रहे होते हैं तो वो नॉन जीरो मिलना चाहिए. जब एफ ए नॉट इक्व टू ज़ीरो मिलेगा तब हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है. तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक और. जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लें, फिर एक कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे. तो कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस सेवन डी वाई बाई डी एक्स, सेवन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स. इसको सॉल्व करना है. इसमें कंडीशन दे रखी है, जब वाई बराबर जीरो है तो एक्स बराबर जीरो है. तो ये क्यों दिया जाता है, कांस्टेंट निकालने के लिए दिया जाता है. तो कांस्टेंट अगर निकल जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करूँगा सर मैं, एम स्क्वायर माइनस सेवन एम प्लस सिक्स इज इक्व टू जीरो, तीन दो छः एक सात. तो इसके रूट बीच में माइनस है, बड़ा है वो वैल्यू, तो एम का मान आप देखेंगे वन कॉमा सिक्स आएगा, यही हो सकता है, फिर और क्या होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर सिक्स एक्स हो गया इक्वेशन वन. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं सर. पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस सिक्स इंटू ई टू दी पावर टू एक्स वैल्यू रखूँगा. तो बराबर वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर, सात चक्को अट्ठाईस प्लस छः इंटू ऊपर ई टू दी पावर टू एक्स. समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आप यहाँ पे, ठीक है. तो कितना आएगा ये, सात दूना चौदह आएगा ना, यहाँ पे अट्ठाईस कैसे आएगा यार, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने. स्क्वायर आगे था ना, केवल स्क्वायर तो केवल आगे था सर. यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, चार माइनस चौदह प्लस छः, तो छः चार दस चौदह ई की पावर टू एक्स अपॉन माइनस का टू, माइनस का टू ही आएगा, या छः चार दस ना चौदह चार आएगा, सॉरी माइनस का चार आएगा ना. तो हमारे पास सॉल्यूशन आया, देयरफोर वाई बराबर
सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस टू दी पावर सिक्स एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर टू एक्स अपॉन माइनस का फोर। नाउ जब ये कंडीशन दे रखी है, जब एक्स बराबर जीरो है तो वाई बराबर जीरो, तो रख दो यहाँ पे, तो वाई बराबर सी वन, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाई बराबर, वाई मतलब जीरो, जीरो बराबर सी वन प्लस सी टू, कैसे आया सी वन प्लस सी टू, क्योंकि ई की पावर ये रख रहा हूँ ना, प्लस आपके पास वन बाई माइनस का फोर आएगा। ठीक है सर, यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे सर, एक बात आप समझिएगा, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में हम निकाल पाएंगे, तो सी टू इज इक्वल टू मैं निकालता हूँ तो उस सारे टर्म को उस साइड ले जाता हूँ, तो वन बाई फोर माइनस सी वन आ जाएगा। सी वन को सी वन ही रहन दूंगा और सी टू को जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, प्लस सी टू की जगह पे क्या आ जाएगा, वन बाई फोर माइनस सी वन, ध्यान दीजिएगा, ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स अपॉन माइनस फोर। तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ये मिल गया, लेकिन एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में आया है, यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है, दूसरे के टर्म्स में आई है, हमने दूसरे के टर्म्स में एक की वैल्यू निकाली है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सी टू इज इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि दो एक ही वैल्यू दी थी, दो अननोन्स थे, तो अगर दूसरी वैल्यू भी दी होती, जैसे इसका डेरिवेटिव दे देता है, कुछ और दे देता है, तो हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था, फिर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की कोशिश करी, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला तो वैल्यू इसकी ये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है सर, है ना, ये किया, यहाँ जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने का मेथड यही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सर।